तो आज आए हैं हम एज़्टेका फॉल्स। हेलो बोलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो। उधर से जाना है, उधर से जाना है। The snow kindly looks like this, and you can have a touchy feeling. Yo man, that's vlogging, that's it. ये तकरीबन जो जैस्पर नेशनल पार्क है वहाँ से ये पड़ जाता है हाफ एन आवर ऑफ ड्राइव, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट सीनिक व्यूज दैट वी गेट हियर। आपको सीन्स फॉल्स सब चीज़ दिखाएंगे हम धीरे धीरे। चलिए आपको दूसरा व्यू दिखाता हूँ। चलिए पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन, क्या बोलते हैं ये इंग्लिश में। वाटर कलर्स डिपेंडिंग अपॉन व्हेन यू विजिट द कोल्ड वाटर्स ऑफ द एज़्टेका रिवर कैन कैरी इन कलर। इन समर स्वॉलन बाय वाटर फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर्स एज़्टेका रिवर रन्स मिल्की वाइट ग्लेशियर मेल्टेड वाटर्स इज हैवी। नाइस, मेल्टेड वाटर हाँ फ्रॉम द ग्लेशियर्स। ये देखिए बादल के बीच में पहाड़ है। हिमाचल कभी गए नहीं है, होगा ऐसा ही। ये अभी हम लोग ये वाले रास्ते से पूरे पूरी जाने वाले हैं यहाँ से होते हुए, फिर वो ब्रिज क्रॉस करेंगे और फिर जाएंगे वहाँ फॉल्स। ये पूरा ग्लेशियर का मेल्टेड वाटर है, देखते हैं कैसा रहता है। क्यों केतन भाई का आज क्या प्लान है? फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इतने बर्फ में भी पानी फ्लो कर रहा है और एकदम प्योर वाटर है, ये तो पी भी सकते हो आप। प्यास लगी तो प्यास लगा तो पानी के बारे बोलेगा। और ऐश्वर्या क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। नहीं, पहाड़ दिखाओ फ्रेंड्स को। पहाड़ देखते हैं, चलिए ध्यान से। ब्लू ब्लू माउंटेन है। आई डोंट थिंक सो। नहीं, नो, अल्बर्टा जैस्पर का वहां पे ब्लू माउंटेन है। आई गेस उस साइड में कहीं पे ट्रेन है जो उधर से जा रहा है। ये देखिए ब्यूटीफुल पेड़। लेट्स गो। फाइनली द क्रिसमस ट्रीज। फॉल का टाइम है अभी, कभी बर्फ पिघल सकती है। मोस्टली ट्यूसडे से टेम्परेचर हो रहा है +15 इन जैस्पर, सो इट्स गोना मोस्टली मेल्ट अप ऑल द स्नो। ये देखिए यहाँ ट्रायल है और इस साइड भी है। डूड किधर जाना है? द लेफ्ट वन और द राइट वन? Okay, let's go here. आराम आराम से चलो। चलो भाई कितन, चलो 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 चलो, let's go. एक बार इधर का व्यू दिखा देते हैं आप लोगों को। केतन फुल जोश में आज, रात को मस्त सोया आराम से पूरा रास्ता। क्या कहते हैं? ओके, जगह अच्छा बनाते हैं लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। स्नो तो बहुत है, हम लोग पूरा सूटअप हुए हुए हैं। ये रहा एक व्यू, दिखाते हैं आपको ग्लेशियर का पानी गलता हुआ। ये देखिए ये नीचे दिखाते हैं एक और, ये देखिए। तुमने थोड़ा शांति रखी हो। चलिए आगे जाते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज काइंड ऑफ अमेजिंग पैराडाइज।
ग्लेशियर का नीचे का पानी गलता हुआ, फुल एंड फाइनल व्यू। क्या कहना है केतन आपका? This is heaven on earth. Oh my god, थोड़ा ज्यादा हो गया बट ठीक है, ले लेते हैं, पहला व्लॉग है। अभी हेवन कोई गया तो नहीं है। आशु नीचे कुछ जाने का कोई मतलब? कुछ जाओ, दुनिया के ऊपर से एक बोझ कम हो जाएंगे। ये देखिए, that's the complete view there. इस प्रकार से आता एक रोटेशन। Okay, let's move on. चले भाई आगे, फोटो वीडियो व्लॉग सब आ रहा है, ये देखो। से हेलो। चलिए सर एक फोटो आगे चलते हैं, इतना व्लॉग नहीं। चलो आते हैं नेक्स्ट स्पॉट, दैट इज अल्पाइन गार्डन्स। ये इसकी डिटेल्स है, एक सेकंड पॉज करके देख सकते हैं आप। कौवा है क्या? चिड़िया ही लग रहा है। ओके लेट्स गो विद द व्यू नाउ। Coming up bright from the sky. There we go. Soil erosion clearly देखा जा सकता है यहाँ पे. And then the glacier water. बोलता है कि यहाँ से वहाँ temperature का minimum 10 degrees का फर्क होता है, मतलब कि अगर इधर यहाँ पे 10 degrees है तो वहाँ पे 0 degrees होगा। ये लोगों फोटोग्राफी चालू है, आपको दूसरा साइड दिखाते हैं। ओह माय गॉड, दैट लुक्स ब्यूटीफुल सर। एंड अगेन सॉइल इरोजन का बेहतरीन। हाय गाइस, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस वन? आई वुड लाइक टू शो, सो अभी कुछ 5 मिनट पहले यहाँ से एक वुल्फ गए, एक नहीं एक्चुअली दो गए, आप देख सकते हैं। नीचे दिखाओ सर, चश्मा शूट कर रहा है ब्रो, चश्मा शूट कर रहा है। आशु क्या बोलेंगे आप? बहुत ठंड है। जैकेट खोल के फोटोग्राफी करने से ऐसे ही रहता है। फोटो खींचना नहीं आता है। हाँ, ओहो हो, बेचारा कितना मेहनत कर रहा था। चलिए चलते हैं टूवर्ड नेक्स्ट। उधर मुंडी रखने से इधर क्या करें हम लोग वीडियो निकाल के? यहाँ पे ग्रिजली बियर्स और वुल्फ्स से बहुत दूर रहना पड़ता है। और एक और जानवर था, क्या था वो जानवर? टेडी बियर। देयर वी गो, दैट्स वेटिंग अ वाटरफॉल, पूरा फ्रोजन है। सेम वाटरफॉल है, डिफरेंट व्यू से ये फिर से वीडियो कर रहे हैं। कंटेंट कहाँ से लाए? लॉग में ऐसा नहीं होना चाहिए, कट कर। ये आ गए हम हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे, एक्सप्लोर द लोअर कैनियन। ओके एक सेकंड पॉज करके इसका डिटेल्स पढ़ सकते हैं, हम बता के बोर नहीं करेंगे। 5 मिनट का वॉक है, पूरा 5 मिनट व्लॉग में नहीं डालेंगे, चिंता मत करिए। इतना yes, yes, yes. Let's go there. आप देख सकते हैं ये यहाँ के क्या बोलता है, नेटिव लोगों ने इसको बनाया गया था,
तोड़ तोड़ के, और इस तरह वो नीचे जाते थे। यस स्लाइडिंग। ओ वहां पर रह गई है आयशो, नहीं जाना आपको। Okay, we are going, okay? Oh my God. अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही स्लाइडिंग है तो हम ज्यादा वीडियो नहीं करेंगे, यहाँ पे सेफली चलेंगे। यस फोटो यहाँ पे इधर काटेंगे, पहले आप हिंदी बोलेंगे तो फोटो लेंगे आपका। हाँ ले रहे हैं, चलना चालू करो। केतन यहाँ बर्फ गिराते हुए, ये देखिए बर्फीला इफेक्ट। चलो मुंह भी साफ कर लेना, कैप्चर हो चुका है और ये व्लॉग में जरूर आएगा। ये जगह अच्छा है, हम लोग किससे जा रहे हैं उससे? No, we're gonna go for this one. Yay! मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं है क्योंकि ग्लव्स भूल गए हैं। Okay, we got to be very careful here. यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आने वाला है गाइस। शक्ल दिखाइए सर। Hey! Come on guys! चलिए डिटेल्स पे जाते हैं। Okay, that sound and spray. Welcome, here's a furry sound and spray of power of roaring water and trembling earth meet. It's nice. See how beautiful up there. Kya asman hai? Okay, symbol de diya hai. Oh my God! Again, the same one. God. आवाज सुन सकते हैं आप? यहाँ पे छोटे-छोटे पेड़ आए हैं। अच्छा आया। Soil erosion के चलते roots खोज लेता है पेड़। पहला वाला डिटेल्स वाला जो टैप था उसमें लिखा हुआ था ये वाला चीज, कुछ बड़े और कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं जो यहाँ पनपते हैं। एट बेस्ट का फॉल किल्स। ओके लेट्स मूव। ओके बैटल फ्रंट। हे दैट्स सो नाइस। हो जाता तो यहीं पर रुक जाती थी। ओके ये रहा द रनिंग वाटर। आ जा भाई कितन, एक फोटो लेते हैं, सेल्फी। ये ओ तुम भी आ जाओ कहीं से। ओके इतना हाइट मेरा कम नहीं है। स्माइल गाइस, नाइस पिक्चर। वीडियो निकाल। अभी जरा कैसा लग रहा है ये जगह? ब्यूटीफुल राइट पैराडाइज। या ओ कैनेडियन Fake accents, oh my god. Yeah. Sounds pretty absurd. Oh yeah. दे दो भाई इसका जैकेट, फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है। दो मिनट पहले बोली थी ना।
और केतन क्या कहना है आपका? It's very beautiful. As you can see, आप एक ही जगह पे पहाड़, बर्फ, पानी, झाड़, पहाड़ सब देख सकते हो. सही बात है. और डॉगी. ये एक हमारे पास पेंगुइन है. रास्ते में ढूंढना था इसको. पेंगुइन है. Beautiful, mesmerizing, breathtaking. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ये पेंगुइन है हमारा. पेंगुइन जैसे था. ये देखो. चल के दिखाएगा. कार्टून जैसा हालत हो गया तेरा. पूछेंगे नहीं क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका? बस इतना बोलेंगे बहुत मजा आ रहा है और नेक्स्ट प्लेस इज गोइंग टू बी जैस्पर नेशनल पार्क जो कि तकरीबन यहाँ से 40 मिनट की दूरी पे है. देखते हैं वो जगह कैसा रहता है और ड्राइव कैसा रहता है. यहाँ तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा है. आई थिंक मे बी मेरे को पेयर ऑफ ग्लव्स खरीदना पड़ेगा क्योंकि हम लोग घर पे भूल चुके हैं और बहुत सारा चीज़ पैक करना रह गया है. लास्ट मिनट ट्रिप था हम लोग का तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा आगे क्या करना है. लोग शोर मचा रहे हैं, हम आपको करते हैं बाद में. ओके तो हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शन थे इस तरीके से अंदर से जंगल वगैरह में जाने का, बट फूट स्टेप्स दिखाई दे रहा है हम लोग को. मे बी वुल्स वगैरह हो सकते हैं, ऐसा कुछ चांसेस है तो हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं बेसिकली. गाइस वहाँ पे एक लाइव टेडी बियर देखा मैंने. टेडी बियर था वो. ये हार्ट अटैक है. हाँ उसका उसका चेस्ट पे हार्ट था. आई लव यू लिखा था सही में कुछ भी और आंखें चमक रहा था. मेरे को ये व्लॉग डिलीट करना पड़ेगा तुम लोग के चलते हम अपलोड नहीं कर पाएंगे. मालूम है तुम लोग को कुछ बोलने को बोला था, बहुत कुछ बोल गए तुम लोग. हाँ ना बहुत पसंद करेगी क्योंकि उनको लाइव टेडी बियर मिल सकता है और वो चाहे तो घर ले जा सकते हैं अपने रिस्क पर. घर ले जा सकते हैं अपने रिस्क पर टेडी बियर. हाँ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. भालू से 100 मीटर दूर रहने को कहा गया और वुल्फ से 30 मीटर दूर रहने को कहा गया है. इसको याद रखिए बस. दूर रहो जैसे दिखे भाग जाओ उल्टा. इतना भी दूर रखे वो लोग. तो अभी हम चल रहे हैं वापस अपने पार्किंग. उन लोग का ही फैमिली से है तुम लोग. दो हाथ दो पैर पे खड़े हो. बैर आएगा.